इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. मेरी एंगेजमेंट जो है वो 8th को होने वाली है. गिवन 100 ऑफ ऑडिशंस फॉर बालाजी एंड इट वॉज माई ड्रीम. थैंक यू सो मच. अगर जर्नी की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही है आपकी. बैक टू बैक शूट्स हो रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे इस पूरी जर्नी को लेकर? मैं एक्चुअली बॉम्बे आई हूँ 2015 एंड में, एंड 2016 में मैंने ये है मोहब्बतें जो है 2016 और मे बी 17 में मैंने ज्वाइन किया था. एंड जब मैं आई थी ऑनेस्टली मुझे एक्टिंग का ए नहीं आता था. ऑडिशंस दे के मैंने एक्टिंग सीखी है और लिटरली सुबह जाती थी और रात को घर वापस आती थी और क्यू में खड़ी रहती थी. मतलब मेरी अगर बारी भी मेरा टर्न भी आ जाता था ना तो भी मैं नहीं जाती थी बिकॉज मैं देखती थी वो कैसे कर रहा है तो सबके पॉइंट्स उठाती थी मैं. सो दैट्स हाउ आई लर्नड एंड आई हैव गिवन 100 ऑफ ऑडिशंस फॉर बालाजी एंड इट वॉज माई ड्रीम एंड उसको अचीव करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी मिली. क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी एंगेजमेंट जो है वो 8th को होने वाली है. तो किस तरीके से आप मिली उनसे? क्या लव स्टोरी थी? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अभी तक से आपने रिवील नहीं किया. मैंने रिवील नहीं किया है. मैं एंगेजमेंट वाले दिन ही रिवील करूंगी. इट इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ. बहुत ही कम समय हम लोगों ने एक दूसरे को जाना है. बट वो बोलते हैं ना कि डेस्टिनी जब मिलना होता है, व्हेन यू नो ही इज़ द राइट पर्सन, वो मुझे तभी क्लिक हो गया था दैट ही इज़ द राइट पर्सन एंड आई वॉन्ट टू यू नो स्पेंड माई लाइफ विद हिम. इट वॉज एक्चुअली लाइक मैंने आज तक सुना था लव एट फर्स्ट साइट. वो लव एट फर्स्ट साइट ही हो गया. मतलब वो मर्चेंट नेवी में है और पहली बार जो मैंने उनको देखा था तो मैंने उनको यूनिफॉर्म में देखा था. तो यूनिफॉर्म तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करती है. तो मैं एकदम से ऐसे हो गई थी, दिस गाय इज सो क्यूट एंड यूनिफॉर्म तो वैसे यू नो इट मेक्स अ गाय लुक वेरी हॉट. तो या उसके बाद बात करने का तरीका एंड ऑल एवरीथिंग, ही इज़ अ स्वीट हार्ट. मतलब जैसे मुझे लड़का हमेशा से चाहिए था हु कैन पैम्पर मी एंड ऑल. यू कैन सी दिस. I was little upset and he sent me this with the bouquet, with chocolates and everything. So yeah, he's there to spoil me. मुझे ऐसे ही चाहिए था कि मेरे डैड की तरह मुझे कोई स्पॉइल करने वाला हो. ओके, अप्स एंड डाउन्स की बात करेंगे तो लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं. डेफिनेटली. क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने इन सबसे स्ट्रगल किया? ऑनेस्टली बताऊँ, अभी तो मेन जो आपने कोविड में हम लोगों ने देखा, बहुत अप्स एंड डाउन आए लोगों की लाइफ में. कितने लोगों के पास काम नहीं था एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने घर को छोड़ के यहाँ बॉम्बे में आए हैं काम करने, कहीं भी आए हैं अपने घर वालों को छोड़ के, कईयों को अपने यू नो परमिशन तक नहीं मिली अपने घर वालों से. तो उनके पास वापस जाने का कोई वो नहीं था, घर नहीं था कि मतलब घर वालों ने तो वही बोल दिया है कि आप जाके करो. तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने सुसाइड किया, सब कुछ किया, बहुत अप्स एंड डाउन लाइफ में आए. लेकिन मैं वही सबको बोलूँगी कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, अगर एक डार्क साइड है तो एक ब्राइट साइड भी है लाइफ का. तो उसमें वो हार मत मानो. अप्स एंड डाउन आते हैं. मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं, बी इट वर्क वाइज. आज काम है तो कल काम नहीं है. आज रिलेशनशिप में खुश हूँ तो मे बी कल मेरा ब्रेकअप हो गया है. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आज पैसा है कल पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट उस सिचुएशन में कभी हार मत मानो. जैसे कि आपने कहा कि अभी आप हाल ही में मिली हैं उनसे. यस. वो बता दूंगी तो फिर आपको सब पता चल जाएगा. आई विल डेफिनेटली मैं पूरी अपनी स्टोरी बताऊंगी. इट इज अ शॉर्ट ब्यूटीफुल स्टोरी एंड मैं बहुत जल्दी बताऊंगी. ओके, सो बस इतना तो बता सकती हूँ कि आई लव यू पहले किसने बोला था? हिम. I so wanted to say, मुझे बोलना था I love you, but I was like, no, maybe it's too soon, but he said it, and then I was like, oh, finally he said it, now I can say it. अच्छा, तो अगर one word में describe करना चाहेंगी उन्हें तो क्या होगा वो word? One word. Yes. How can I describe him in one word? He's funny. भी ऐसा दिमाग में होगा ना कि like. He is the guy of my imagination. My imagination. Yeah. जैसे मैंने imagine किया था, जैसे मैंने manifest किया था अपनी diary में लिखा था, he has it. So yeah. Okay.
खास पल एक्चुअली ही इज़ इनटू मर्चेंट नेवी, तो 3 मंथ्स वो यहाँ पे होते हैं, 3 मंथ्स वो यहाँ पे नहीं होते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला है. बट हम लोग वीडियो कॉल पे ज़्यादातर बात करते हैं, एंड बिकॉज़ वो सी में हैं तो नेटवर्क नहीं होता है हाफ़ द टाइम. बट उसमें पेशेंस रखना पड़ता है मुझे बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स उन्हें भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है. एंड बट या ही मेक श्योर इफ़ आई एम नॉट वेल, इफ आई एम PMSing और समथिंग, ही विल सेंड मी फ्लावर्स, ही विल सेंड मी चॉकलेट्स ऑन माई पीरियड्स. ही ऑलवेज सेंड मी हॉट चॉकलेट फ्रॉम स्टारबक्स. ही नोज मुझे वो पसंद है, वो बिना बोले आ जाता है. सो दीज आर द स्वीट लिटल थिंग्स, टच वुड. या इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर. या मैं एक इशारा कर सकती हूँ. या यू गाइस कैन गेस. तो हमने देखा कि अब शुभ्रगुण कर रही है, तो यहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इससे पहले भी आपने जो भी चीज़ें की थी अच्छा रिस्पांस मिला जी. या तो ऑडियंस के इतने सारे प्यार को कैसे देखती है. मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ, आज मैं जो भी हूँ इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस, माई फैंस, जो शुरू से लेके अब तक जिन्होंने मेरा साथ दिया है. When I was not working, तब वो मुझे बोलते थे कि we want to see you on screen, कब आ रहे हो, कब आपका शो आ रहा है, एंड वो कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब वो ख़त्म हो गया, डल हो गया, वो पूछते रहते हैं. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ देम ओनली मुझे होता कि नहीं, माई पीपल दे वॉन्ट टू सी मी एंड आई हैव टू डू समथिंग. तो वो एक वो पुश मिलता है कि नहीं, अब लाइफ में कुछ करना है, एक और शो करना है, सो दैट दे कैन सी मी. एंड सो थैंक यू सो मच, मतलब आप लोग मुझे देख के इतना इंजॉय करते हैं, थैंक यू. मतलब आई होप मैं आप लोग को अच्छे से एंटरटेन कर पाती हूँ. सो या थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस. ओके, एनी प्लानिंग फॉर डूइंग एनी म्यूजिक एल्बम्स एंड ऑल. म्यूजिक एल्बम्स अभी एक्चुअली मुझे 2-3 आए थे, बट देन आई वॉज बिजी हियर शूटिंग, और आपको तो डेली सोप का पता ही है, यू डोंट गेट टाइम एट ऑल. सो या मे बी आफ्टर दिस शो विल डू. Maybe some web series. Yeah, people are just willing to see you in web series. I would love to. Please cast me. Please. I am open. Okay, so what kind of character you would like to play? What kind of character? Yeah. Any character which is challenging. मुझे चाहिए कि कोई ऐसी लड़की हो जो बंगाली में भी बात करती हो, पंजाबी में बात करती हो, हिंदी में, और ये थोड़ी हरियाणवी में बात करती हो. मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए जहाँ पे मतलब यू नो आई कैन प्ले, बिकॉज आई नो दीज लैंग्वेजेस, सो आई वांट टू यूज़ ऑल दीज लैंग्वेजेस. सो या समथिंग लाइक दैट. प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. या आई वुड लव टू, आई वुड लव टू. मार धाड़ एकदम मैं मार रही हूँ, एक्शन एक्शन सब लड़के करते हैं, अब मैं करूँगी. Thank you.